Look carefully, my child. The truth lies in front of you, always. तो हमेशा फर्स्ट टाइम जैसे है।
तेरी कशिश का कमाल है जो इस तरह चाहूं तुझे और बढ़े कुछ प्यास मेरी यार जब देखूं तुम्हें बरस बरस के भीगूं मैं तुझ में तू जरा सभर छलक के डूबूं तुझ में डूब कर मैं जी लूं सौ जन्म ओ मेरे सनम 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 नवाज़िश करम 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 वहाँ मैं रख दूँ अपनी जान रखे तो जिस जगह कदम ओ मेरे सनम 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 नवाज़िश करम 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 वहाँ मैं रख दूँ अपनी जान रखे तो जिस जगह कदम बच्ची है क्या? बेल सुनते भागने लगती है। एक मिनट और रुक जाना, सब कुछ मजे से हो जाएगा। तीन घंटे तक दरवाजा नहीं खोला तो वो चली जाएगी, फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तेरा एक मिनट का मजा मेरे लिए दिन भर की सजा। नो थैंक्स। hey! ए, मुंह ऐसे क्यों बना के रखा है? गंगा, हाँ? वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं, उन्हें ड्रायर में डाल दो। हेलो, अब ये किस खुशी में? मुझे लगा चटनी तीखी है। ठीक ही है, ठीक ही है। ये लो, कहा था ना आ गए। नए पड़ोसी। क्या लगता है
इंटरेस्टिंग होंगे। ऑर्डर मेरे से देगा जी। मैंने अभी आपका सर खोल रखा है और आप पूरी तरह से होश में। अमेजिंग राइट? कंफर्म टारगेट पॉइंट। ओके, इन इलेक्ट्रोड्स को अभी मैं आपके ब्रेन में इंसर्ट करूंगा। हल्की सी गुदगुदी होगी। पार्किंसंस के बाद आपने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। कोई नहीं, आज खेलते हैं। अभी आप अपने हाथों की शिवरिंग रोकेंगे और मुझे लेग स्पिन करके दिखाएंगे राजी। या एंड गो। या एक्सेलेंट राजीव। वन मोर टाइम प्लीज। एक और बार। बहुत बढ़िया। या ओके ओके, टेक इट इजी। India's number one deep brain stimulation specialist, Dr. Krishnakant, in the house. Krish, good job. Thanks, doctor. Fantastic. दो साल में तीसरी बार है ना? मैं 10 साल से इस हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट हूँ। साला एक बार भी किसी ने मेरे लिए ताली नहीं बजाई। डॉक, सबको ताली आपने बजाने को कहा है। मैं अच्छा आदमी हूँ यार। चल बता, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं है डॉक, मे बी आई एम जस्ट लकी। कॉफी? हाय आंटी, मैं जैनी, ये सारा। हम पास वाले घर में रहने आए हैं। सारा ने आपकी खिड़की तोड़ दी। सॉरी बोलो। क्यों? मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी बोलो। सॉरी आंटी। इट्स ओके स्वीटी, कोई बात नहीं, अंदर आओ। सारा सेकंड स्टैंडर्ड में है आंटी, मेरे 12th बोर्ड्स अभी खत्म हुए हैं। आगे क्या करूंगी पता नहीं, आजकल तो हम दोनों ही वेले हैं। अच्छा लिसन, बैठ के बात करो ना। नो इट्स ओके। बाय द वे आंटी, मॉम डैड आपको हाउस वार्मिंग पार्टी पे बुलाएंगे, आप पक्का आना। हाँ या श्योर, व्हाई नॉट। लोगी? हे, ये लड़का कौन है? सो क्यूट। ओ, मेरे हस्बैंड। आप शादीशुदा हैं? क्यों, लगती नहीं हूँ क्या? आप लगती हैं, ये बिल्कुल नहीं लगते। मॉम, मैं निकलती हूँ आंटी, नहीं तो घर पहुँचते ही लेक्चर सुनना पड़ेगा। चल, से बाय। बाय आंटी। बाय। अगले सालों में एक बार होने वाला सूर्य ग्रहण अगले महीने होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार पूरा सूर्य ढक जाएगा और ज्यादातर देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में नजर आएगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग स्वीटू। चाकू का है? तू तो मुझे बिना चाकू के ही मार देगी। Where is the kitchen knife? Oh, जानू कौन कौन? जेनी, तुमने किचन का नाइफ लिया? मैं क्यों लूंगी, इस घर में जो भी होता है जेनी की गलती है ना। पापा, I'll wait in the car. मैंने ऐसे क्या बोल दिया, इतना गुस्सा कर रही है। मैडम, मांसो एकदम ब्याह हो गुस्से दे। हाँ? मीट, स्मेल इज बैड। जाओ, वॉशिंग मशीन में डाल दो। ओके, वॉशिंग मशीन ना?
अब क्या समझ में आ गया? रुक, ए। उनकी वाइफ लक्ष्मी, नाइस टू मीट यू, हाय लक्ष्मी, आओ घर दिखाती हूँ, आई बी बैक, व्हाट्स योर पॉइजन, व्हिस्की, नीट, श्योर, हमारे यहाँ कहते हैं मुफ्त की दारू और सलाह ले लेनी चाहिए, चीयर्स, वाओ, आप इस फोटो में कितनी यंग लग रही है कंपेयर टू पॉल ना, ओह मेरा वो मतलब नहीं था, इट्स ओके, एक्चुअली मैं उनकी सेकेंड वाइफ हूँ, 7 साल पहले जेनी की माँ गुजर गई, पापा पॉल को पहले से जानते थे, उन्होंने रिश्ते की बात छेड़ी, मुझे अच्छा लगा और मैंने हाँ कह दी, सारा मेरी बच्ची है, लक्ष्मी बीवी से इतना डरते हो? जो लोग मेरी बीवी को जानते हैं ना वो मेरे डर से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मेरा ड्रिंक वापस करोगी? सॉरी, नीड व्हिस्की, नाइस, थैंक यू जेनी। नाम कैसे पता? मेरी बीवी बता रही थी कि घर एक पगली आई थी, अब जाके मालूम पड़ा कि पगली नहीं है, बेवड़ी है। एक्चुअली मुझे शराब उतनी अच्छी नहीं लगती। I'm not that into downers. I like only uppers. You know uppers, na? Coke, E. You know what I mean? अच्छा, एक डॉक्टर को ड्रग्स के बारे में समझा रही हो? वैसे मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूँ तो इन फालतू ड्रग्स से बहुत फालतू ड्रग्स तुम लीगली खरीद सकती हो। अच्छा? हम्म। डॉक्टर साहब, 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ लिख के दो ना प्लीज। दे सकते हैं? थप्पड़। At least get me another drink. कतई नहीं, जेनी को डाउनर्स जो पसंद नहीं है। पंछी बावरा चांद से प्रीत लगाए, चांद से प्रीत लगाए। Hi little girl, what are you looking at? Jenny!
गरम पानी लेके आओ। ओह माय गॉड जेनी, कुएं में कैसे गिरी? मूव मूव, पीछे हट जी आप लोग, ब्लैंकेट लेके आओ। शॉर्ट हो गई जेनी। जेनी जेनी, ओह माय गॉड जेनी जेनी। क्रिश No, no, she's fine. She's fine. Yeah. It's okay, Jenny. Fine. Kambal do. Jenny. She's okay. She's okay. इतने सारे लोग चुपचाप देख रहे थे। I don't know why you had to jump. Sit. उसके माँ बाप से ज्यादा तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही थी, हाँ? Were you out of your fucking mind? अब जूते उतारो प्लीज। सांस रुक गई थी मेरी। You'll die of pneumonia. कपड़े बदल लो, मैं चाय लाती हूँ। I still can't. Krish! मैं तुमसे बात कर रही हूं, से समथिंग गॉड डैम इट। मैं क्या बोल रही हूं, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या हुआ है? 3 बज रहे हैं। इतनी रात कौन होगा? क्रिश, जेनी, जेनी को दौरा पड़ा है। क्या कैन यू प्लीज कम? जेनी, जेनी, प्लीज कुछ करो, करो प्लीज। Paul, Jenny, Jenny, look at me. Paul, पैर पकड़ लो. Look at me, look at me. Jenny, क्या हुआ? उसे अंदर लेके जाओ. Paul, I need a spoon, कड़छी, कुछ भी. Yes, Papa, पकड़ी. Jenny, Jenny, please, please. Take it easy, बेटा. Take it easy. Jenny, मुंह खोलो. Jenny. क्या हो रहा है? Hold her tight. Hold her. छोड़ दीजिए जेनी, she's okay. हाँ, मैंने उसे सेडेटिव दे दिया है, that'll do for now. सोने दो उसे, आराम करेगी, she'll feel better. सेफ साइड, कल उसे हॉस्पिटल ले आओ, सारे टेस्ट करा देंगे, तसल्ली भी हो जाएगी. ओके, थैंक यू क्रिश. एनी टाइम. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. Thank you.
क्या? अरे जेनी, कल रात इतना तो कभी मैंने भी नहीं काटा है यार। कोई नहीं, फ्री हो अभी काट लो। आज तेरी नौकरानी को गोली से मार दूंगा। हाय क्रिश, कल रात आपने जो भी किया, थैंक्स अ लॉट। हे, इट्स ओके जेनी। इफ यू डोंट माइंड, हॉस्पिटल में मिलते हैं। ओके बाय आंटी। हाय क्रिश, बाय आंटी। सही है सही है, छोटी बच्ची है यार। As expected. सब कुछ नॉर्मल ही है। फिट्स का दौरा कभी कभी बिना वजह के आ सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिजिकली जेनी इज 100% ओके। थैंक यू। एनी टाइम, सो मच। बाय बाय। उस दिन पूछा तो ज्यादा होशियार बन रही थी, हो क्या गया इस बच्ची को? ये क्या खरोच के रखा है? हेलो, लिजी, लक्ष्मी, हाय, तुम कब आई? अभी अभी, आपकी डोरबेल काम नहीं कर रही है। अच्छा, आई विल गेट इट फिक्स्ड। एनीवे, मैं आज रात डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। डोंट वरी, मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। ओके, फिर भी मैं पॉल से पूछ के कंफर्म करती हूँ। श्योर, जैसे आप। लगता है बेल खुद ही ठीक हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। आई विल सी यू टुनाइट फॉर डिनर। ओह, ये चॉकलेट मैं सारा के लिए लाई थी। सारा और जेनी उनके साथ साइट पे गए हैं। अच्छा। जब वो घर पे नहीं होते ना, मेरा काम आराम से हो जाता है। तुम चाय लोगी? नो थैंक्स। नए एमएचपी के लिए 3 प्रोपेलर टर्बाइंस का ऑर्डर दिया था ना, क्या स्टेटस है उसका? आज शाम तक आ जाएगा सर। वी विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस बाय टुमारो। थैंक यू, थैंक्स। या लीजी, लक्ष्मी ने शाम को हमें डिनर पे इनवाइट किया है। मैं हां कह चुकी हूं, नो प्रॉब्लम ना? हां हां, श्योर। अच्छा, जेनी और सारा तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो घर पे मिलते हैं। या बाय। बाय। ए जेनी, बी केयरफुल। Glasses, please. Cheers, guys. Cheers. Cheers. Welcome to Himalayas. ज़्यादा तीखी नहीं है। बिल्कुल, absolutely wonderful. सारा क्यों नहीं आई? उसके लिए पेस्ट्री लेकर आई थी। सारा जल्दी खाना खा के सो गई। ओह, तो पापा भी उसी के साथ रुक गए। तो सारा दादू की लाडली है? हाँ हाँ, best friends, roommates जो हैं। उसका admission का सब हो गया ना?
हाँ ऑलमोस्ट। कल सेंट जॉन्स के प्रिंसिपल के साथ मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इट शुड बी डन, और अभी स्कूल शुरू होने में तो पॉल। हाँ टेल मी, हाँ ये वाला घर कैसे सेलेक्ट किया आपने? मुझे हमेशा से एक बड़े घर की ख्वाहिश थी, यू नो ड्रीम होम, सही टाइम पे बजट में आ गया, ले लिया। टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग। जेनी क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ खा ही नहीं रही, क्या ऐसे ही है क्या? घर में भी ऐसे ही करती है। एक्सक्यूज मी। कम ऑन, डोंट बी शाय। चलो, हैव योर फूड। कम ऑन। ऐसा खाना रोज? हाउ डू यू स्टे इन शेप? बॉस ये सब स्पेशल आपके लिए बनाया गया है, हमें कहाँ रोज रोज मिलता है ऐसा खाना। सुना आपके बारे में क्या बोल रहे? Would you like sir? Yeah, sure. और थोड़ा? No, I'm full. Last bowl. Thank you. छोड़िए ना, I'll take care. और प्लांट का काम कैसे चल रहा है? Not bad at all. दूसरे प्लांट की परमिशन मिल गई है, कल से इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। I'm just worried about the weather. चलो अच्छी बात यह है कि सर्दी के लिए अभी टाइम है। हाँ। उससे पहले जितना काम हो सके कर लो। Yeah. बहुत मुश्किल है यार सर्दी के टाइम काम करना। See, there is nothing. Papa, मैंने देखा पापा। Jenny, I'm sorry. Jenny, चलो, चलो, good night. क्या देखा होगा उसने? पॉल देखो ना क्या टाइम हो रहा है, पापा अभी भी पियानो बजा रहे हैं। पापा
पापा। जेनी, यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? मुझे भी सुनाई दिया। अब नहीं सुनाई देगा, चलो जाओ सो जाओ। दीदी ये आपका फोन है? हु? दिखाओ, ये तो जेनी का फोन है। अच्छा जेनी का फोन है, तुम्हें तो सब पता है यार। ठीक है मुझे दो, इसके हाथ भिजवा दूंगी, तुम काम पे निकलो। पास वाला घर ही तो है, जाते जाते देखी जाऊंगा ना। क्यों, कल रात टेबल के नीचे मजे से दिल नहीं भरा? बच्ची है यार, कुछ तो शर्म कर। वो बच्ची है? हाँ। फोन दो। क्यों? दो ना, बताती हूँ। अरे मैं देखे जाऊंगा बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम क्या है? दो ना। छोड़ो छोड़ो, ए बज रहा है बज रहा है। हेलो, ए पॉल, क्रिश बोल रहा हूँ, रात को जेनी का फोन यहाँ रह गया। व्हाट, पक्का घर में नहीं है ना? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। सुबह से जेनी और सारा दोनों मिल नहीं रहे, पॉल बहुत घबराया हुआ है, मैं देख के आता हूँ। मैंने कई बार उसे यहाँ पर आते हुए देखा, और कल रात क्या हुआ था तुम्हें तो पता है। I'm getting worried about her. Paul, it's a difficult age. तुम जितना सोचोगे ना उसके बाद। जेनी खाई की ओर क्यों जा रही है? जेनी, तुम सारा को देखोगे? Go, संभल के आ। जेनी stop, जेनी, जेनी stop, जेनी। Sarah, be careful. जेनी, लेकिन तुम वहां क्यों गई थी? कुछ तो कहो। जेनी अपना मुंह खोलो, बोलो कुछ। मुझे डील करने दो पापा, आप उसे बचाने की कोशिश। जेनी, 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 लेटा दो। जेनी, जेनी, say something. She's fine.
happening to her, Krish? Doc, ये Paul और उनकी बेटी Jenny. Nice to meet you. Same here. Krish, तुम इनको अपने कैबिन में ले जाओ. मैं बुलाता हूँ. Sure. Paul. पापा. मैं हूँ बाहर. हाय जेनी. हाय जेनी. ये एक सेफ जोन है. यहां तुम कुछ भी बोल सकती हो. कुछ भी. कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, गलत नहीं समझेगा. हम जो भी बात करेंगे हमारे बीच ही रहेगी. पेशेंट डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑलराइट? ओके. बताओ क्या प्रॉब्लम है. वो हमें घर से जाने को कह रही है. कौन? हेलो. हेलो. चाइनीज में उसका मतलब है यहाँ से चले जाओ. तुम्हें चाइनीज आती है? नहीं, मैंने गूगल ट्रांसलेट पे चेक किया. और क्या क्या देखा या फिर महसूस किया? हाँ, पिछले हफ्ते फ्राइडे 13th रात को कुछ 3 बजे सारा, मैं हूं अंदर. सारा मैं कह रही हूं ना, मैं अंदर हूं. रुको बताती हूं तुझको मैं. के बारे में पापा को बताया? नहीं, वो यकीन नहीं करते. जब ये सब हुआ तुम्हारे साथ और कोई था? नहीं. तुम्हारे अलावा और किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ?
पता नहीं। तो सिर्फ तुमने ये सब देखा है? ओके, टुडे सेशन इज ओवर। तुम बाहर जाके वेट करो और अपने पापा को अंदर भेज दो। डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ओके क्या आपके साथ घर में कोई स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ? एक रात मेरे पापा का डिक्टाफोन अचानक बजने लगा। मैंने जाकर बंद किया लेकिन फिर से बजने लगा, तो मैंने फिर बैटरी निकाल दी। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? डिक्टाफोन का प्ले बटन खराब हो गया होगा, और क्या। करेक्ट। अगर वहां सिर्फ जेनी होती तो शायद इसका और कुछ मतलब निकालती। मैं समझा नहीं डॉक्टर। जेनी से और बातें करने के बाद ही मैं करेक्ट डायग्नोसिस कर पाऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि शक्ति को न बनाया जा सकता है न मिटाया। एनर्जी इज एवरीवेयर। तो फिर जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसकी आत्मा जाती कहां है? इसी सवाल का जवाब मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं। इस घर में कब से हो रहा है ये कोई? Since I come house, one month. देखिए कम जेनी, जराओ बच्चे। आओ बेटे। जेनी अपने कमरे में जा। जेनी आप? मैं एक बन जा रहा हूं। कर्नल साहब ने कहा कि इस घर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही। हाँ। और आपके पास इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। हमें कोई इलाज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। पॉल बट आई थैंक यू। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने आया था। जेनी, इसलिए कम ऑन सो जा, कम। प्रसाद जी, जैसा आपने कहा था मैं जेनी को लेकर बाहर जा रहा हूं। जब आप फोन करेंगे तभी वापस आऊंगा। जी ये जेनी करूं। Thank you.
हे क्रिश, अभी तक यहीं हो? 5 minutes डॉग, फिनिशिंग अप। डॉग, सुबह जेनी का सेशन कैसे गया? अच्छा गया, but it's taking time. बहुत टाइम लग रहा है तो ओटी में भिजवा दो। Good night, doctors. Good night, nurse. Good night. दिमाग खोल के वायरिंग बदल दूंगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं मेरे तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, कल से हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी? वो जो घड़ी हिला के मैजिक करते हो वो? वही है। मैं आके देख सकता हूँ? Why not? Superb. मुझे ड्रॉप कर दोगे? Of course. On the way, एक एक स्मॉल। दारू पी के गाड़ी चलाऊंगा ना तो बीवी मारेगी। मैं देख सकता हूँ। अरे मैं डॉक्टर हूँ यार, चल। हे लव, पॉल ने कहा था कुछ काम है, मैं जरा होके आता हूँ। एक चाय बना के दो ना। सुनो, हमारा घर ये वाला है या वो? गुड नाइट, फिर से शुरू मत करो। लुक। नो यू लुक, मैं एक डॉक्टर हूँ और वो मेरी पेशेंट। तुम्हें समझ में नहीं आता ना, दैट्स योर प्रॉब्लम। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं ही उसका ख्याल रखूंगा, बस। शुरू करें? जेनी, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, फोकस ऑन द डार्कनेस, इस टिकिंग साउंड पे ध्यान दो। अब तुम्हें हल्की सी नींद आएगी, डोंट फाइट इट, जस्ट रिलैक्स कंप्लीटली। कुछ मत सोचो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। जब मैं ऐसे करूं तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है, ओके? फिर दोबारा जब ये आवाज आएगी तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और जागना है। सोचो जैसे एक ऑन ऑफ का स्विच है जो तुम्हारे दिमाग से कनेक्टेड है। जेनी, क्या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं है? क्या तुम वापस अपने पुराने घर जाना चाहती हो? शुरू शुरू में मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर पापा ने कन्विंस कर दिया यहाँ रहने के लिए। अब मुझे अच्छा लगता है, पास वाले घर में क्रिश भी रहता है, ये ठंडा मौसम, अब मुझे सब अच्छा लगता है। जब सब अच्छा लगता है यहाँ तो उस दिन पहाड़ पे क्यों चली गई थी? मैं नहीं गई। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम वहां गई थी। अब बताओ क्यों गई थी वहां? मैंने कहा ना मैं नहीं गई। तो जो गई थी उससे बात हो सकती है? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। जेनी, ये मेरा घर है, यहां और कोई नहीं रह सकता। ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? नाम है। जेनी, क्या कर रही हो? टेल मी। वो छाई छाओ, गाइचो लाया शे। पेट पे लगे
खून को पहुंच रही हूं। Wake up, Jenny. क्या हुआ? क्या हुआ पापा? आपका कोई फैमिली प्रीस्ट है? प्रीस्ट? किस लिए? बताता हूँ। हम पेंटेकोस्टल क्रिश्चियंस हैं। हमारे लोकल चर्च में पास्टर जोशुआ हैं। जेनी को ठीक करने के लिए हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। अर्थ टू अर्थ, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इंश्योरेंस सर्टेन होप of resurrection on the last day. Into your hands, O merciful Savior, we commend your servant, and we commit the body to the ground. Blessed peace of everlasting rest in the company of glorious company of saints of light. Amen. Prasad to hum baantte hain aaj. डॉक्टर प्रसाद खुद हमसे मिलने आए हैं। What can I do for you, sir? पॉल की बेटी जेनी का एक्सोर्सिज्म करना है। एक्सोर्सिज्म? A child is possessed? Pastor, I'm a psychiatrist and 100% sure that she is not possessed. फिर मेरी क्या जरूरत है? Actually, कुछ सालों से वो खुश नहीं है। अपनी माँ के मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। इसके चलते उसने अपने मन में कुछ कहानियां बनाना शुरू कर दिया है और अब वो इन इमेजिनरी कहानियों को सच मान रही है। शी डजंट नो हाउ टू डील विद दिस। अब उसके दिमाग में लीजिंग की कहानी एक रियलिटी बन चुकी है। शायद बोरियत दूर करने के लिए उसने ऐसी कोई फिल्म देखी है, या फिर ऐसी कोई किताब पढ़ी है, या फिर इंटरनेट। अब उसे यकीन हो गया है कि लीजिंग आप सबको इस घर से, इस शहर से दूर भेजना चाहती है, ताकि जेनी वापस अपने पुराने घर जा सके। डॉक, डॉक, होल्ड ऑन अ सेकंड। हम दोनों ने अपने कानों से सुना, वो चाइनीज में बात कर रही थी। मैंने गूगल ट्रांसलेट पे चेक किया। गूगल ट्रांसलेट? वो खुद को बेवकूफ बना रही है, ये सब सच मानने लगी है। जो कहानी उसने अपने दिमाग में शुरू की है, उस कहानी को हमें जेनी के दिमाग में ही खत्म करना होगा। लेकिन डॉक्टर, एक्चुअली इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। ये नकली एक्सोर्सिज्म एक ट्रीटमेंट ही है पॉल। उसके बाद जेनी मानेगी कि उसके अंदर से लीजिंग की आत्मा जा चुकी है। देखिए, एग्जॉर्सिज्म का जो प्रोसीजर है वो मैं करूंगा, चाहे नाटक कहिए या एक्सपेरिमेंट। मैं और मेरे इसे ब्लेसिंग ही मानेंगे। डोंट वरी, आवर चाइल्ड विल बी ऑल राइट।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा डॉग, ये प्लान जेनी का भूत भगाना, आई जस्ट डोंट गेट इट। हम जो भी कर रहे हैं जेनी की भलाई के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर प्रसाद, मैन ऑफ साइंस, साइकियाट्रिस्ट, आपका पेशा क्या है और आप कर क्या रहे हो? डॉक्टर क्रिश, ब्रेन सर्जन, तुम लोगों का सर खोल के उनके भेजे की मालिश करते हो, तुम्हें मेरी टेक्निक्स पे शक हो रहा है? शक तो है डॉक, हम नकली एक्सोसिज्म करने जा रहे हैं ना, तो फिर असली पास्टर क्यों? जेनी के लिए क्रिश, उसे मानना होगा, हम झूठ को जितना सच में लपेटेंगे धोखा उतना ही शानदार होगा। डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट फूल्स। हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। मॉर्निंग। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि रोशनी की जरूरत हो बल्ब ले आओ, और अगर अंधेरा मिटाना हो अपने दिल में ऊपर वाले को विश्वास। शेल्वी, प्लीज आप यहीं रुकिए, आप इनका ख्याल रखिए। यस डॉक्टर। पापा। हाय पॉल। आर वी रेडी? या प्लीज। हम कभी मिले नहीं, एम्बेसडर जोशुआ। हाउ आर यू जेनिफर? जेनिफर? सब मुझे जेनी बुलाते हैं। जेनी, इतने सारे लोग, मुझे डर लग रहा है। उस दिन उस कमरे में बात कर रहे थे, आज इस कमरे में बात करेंगे, बस। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? सिर्फ कुछ सवाल। उस दिन अपने पेट से खून पोंछ रही थी तुम, किसका खून करके आई थी? ये आप क्या बात कर रहे डॉक्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं जेनी। ली जिंग, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी, पास्टर जोशुआ तुम्हें भगाने का काम शुरू कर देंगे, फिर तुम अपने फायदे के लिए जेनी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। Stay calm. घबराओ मत। Mercy upon us, O wicked spirit. Release this gentle soul unto our Lord. Behold the cross of the Lord. Flee, banished enemies. We drive you from us, whoever you may be. Unclean spirits, in the name of Jesus Christ, our God and Lord, we confidently undertake to repulse the attacks and deceits of the devil. The Lord's enemies are scattered. All satanic powers. मेरे बच्चे, ये हमारी जेनी नहीं है, इसके अंदर कुछ और है। जेनी मस्ट नाउ बी सेव्ड बाय गॉड। ऑल इन्फर्नल इन्वेडर्स, ऑल विकेड लीजंस, असेंबली इन द नेम एंड बाय द पावर ऑफ आवर लॉर्ड, गॉड अराइजेस, हिज एनिमीज आर स्कैटर्ड एंड दोस हू हेट हिम फॉर हिम as wax melts before fire, so the wicked perish at the presence of God. Wicked legions. Dr. Prasad,
एक रस्सी लेके आइए। डॉक्टर क्रिश गॉड अराइजेस हिज एनिमीज फर्स्ट कैसल एंड दोज हु हेट हिम फ्ली बिफोर हिम एज वैक्स मेल्ट्स बिफोर द फायर सो द विकेड पेरिश एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड बिहोल्ड द फर्स्ट ऑफ द लॉर्ड डॉक फ्ली फ्रंट्स ऑफ एनिमीज The lion from the tribe of Judah, the offspring of David, has conquered. May thy mercy, Lord, descend on us. Dr. Prasad! Dr. Prasad! No, no! Jenny, chodo se! Chodo, leave him, Jenny! I said leave him! Get up! Krish, utho! Krish! I command you, unclean spirit, whoever you are, along with all your minions now attacking this servant of God. Fuck, I can't. Jenny, Jenny, stop it, Jenny! God, the Father of our Lord Jesus Christ, heed my prayer, the Lord be with you! I adjure you, ancient serpent, unto our Lord! In the name of our Lord and God, I adjure you to depart forthwith in fear from this servant of God. No! I adjure you, ancient spirit, by the judge of the living and of the dead, behold this! Jennifer. Jennifer, सब मुझे जेनी बुलाता है। पापा? Pastor? Pastor? He's alive.
वाइटल्स आर स्टेबल, पल्स इज कंसिस्टेंट. ड्रेसिंग कल चेंज कर दो हाँ, और हर दो घंटा मॉनिटर करते रहना, ठीक है? ओके. डॉक्टर, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट या सर्जरी करनी पड़े, प्लीज गो अहेड. जो भी खर्चा होगा हम संभाल लेंगे. जब तक कोमा से बाहर नहीं आ जाते सर्जरी नहीं कर सकते. नर्स, रिपोर्ट्स फाइल करके खाना खा लीजिए, मैं बाद में राउंड्स कंप्लीट कर लूंगा. ओके. लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, मे द गुड लॉर्ड प्रोटेक्ट यू एंड मे द होली स्पिरिट गाइड यू टुवर्ड्स गुड हेल्थ. वी प्रे टू द ऑलमाइटी. आमीन. और ये लोग काफी प्रेयर भी कर रहे हैं. लेट्स सी. ये लोग तो पास्टर के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मैं क्या करूं? फॉर माय गिल्टी कॉन्शियंस. इन्हें इसमें इन्वॉल्व करने के लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा. बुरा तो मुझे भी लग रहा है डॉक्टर, मेरी बच्ची के लिए ही ये तो ये सब. घर में सब कैसे हैं? जेनी बिल्कुल नॉर्मल है. मैं पास्टर को देख के फिर घर जाऊंगा. सी या डॉक्टर. क्रिश, उस दिन जब मैंने पास्टर जोशुआ को आखिरी बार देखा उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर दिखा, तुमने नोटिस किया? नहीं तो. मुझे लगता है इस हादसे में कुछ और छुपा है. अभी अभी पॉल ने कहा ना डॉक, लड़की नॉर्मल हो गई है. हाँ, लेकिन क्या हमें वो सब मालूम है जो हमें मालूम होना चाहिए? जब तक सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सही जवाब नहीं मिलेगा. लेकिन सही जवाब तो सिर्फ पास्टर जोशुआ के पास है. क्रिश, हम पास्टर जोशुआ की आंखें खुलने तक वेट नहीं कर सकते. तो सारे जवाब मिलने तक आप छोड़ने नहीं वाले? ठीक है, बोलिए क्या करना. आई एम विद यू. पॉल? सब लोग एक जगह इस वक्त? क्या बात है? कुछ बात करनी है पॉल. या इतना कुछ होने के बाद क्या ये जरूरी है कि हम इस घर में रहें? प्लीज पॉल, लेट्स मूव. हाँ बेटा, लिजी ठीक कहती है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए. हमारे पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए इस घर को गिरवी रख के मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है. जब वो लोग वेरिफिकेशन के लिए यहां आएंगे और घर को ताला लगा हुआ देखेंगे तो ये लोन कैंसिल हो सकता है. आई जस्ट कांट टेक दैट रिस्क. मामा, आई टोल्ड यू ही विल गेट अपसेट. मुझे समझ नहीं आ रहा हमें घर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं. आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं. पापा को तंग करना बंद करो प्लीज. पापा, जो भी होगा अच्छा ही होगा. मुझे इस घर को एक मौका और दो प्लीज. ओके. क्या ये? सर, एवरी टाइम थिंग्स मिसिंग सर. नाइफ मिसिंग, बैड स्मेल, फ्रिज सर, घोस्ट इन हाउस सर, पूजा. ये फालतू चीजें करके घर में सबको डराओ मत. एवरी टाइम मीनिंग सर, एवरी डिफरेंट मीनिंग सर. शट अप, घर में बच्चे हो तो. स्टॉप दिस एट वंस, स्टॉप इट एंड गो टू बेड. ओके सर.
लक्ष्मी क्या हुआ? क्रिश क्रिश, ये स्ट्रिप है ना, अगर इसमें दो लाइन दिखे मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। दो लाइन है, आई एम प्रेग्नेंट। एक डॉक्टर को समझा रही हूँ। आई लव यू। बच्चा किसका? अरे लेकिन आप एजेंसी वालों को ये पता नहीं है तो फिर किसे पता होगा? देखिए सर, जो भी है आप पता कीजिए और हमें बताइए जल्दी। थैंक यू। पागल है, अपना सारा सामान भी छोड़ के चली गई है, इतनी भी क्या जल्दी थी? पॉल, मैं समझता हूँ, एक बार फिर उसका फोन। पॉल, पापा आपके उस बंजारे को बुलाइए अभी। ओके। स्पिरिट से बात करने का सबका एक तरीका होता है, कोई कागज पे कलम चलाता है तो कोई पासा घुमाता है। जब मैं 7 साल का था तभी स्पिरिट्स ने मुझसे पहली बार बात की। वो अपना संदेश इस रेत के जरिए देते हैं। ये मिस्टर चैंग है, जेनी के हिप्नोसिस के दौरान उन्होंने काफी मदद की थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज भी इन्हें। नम्यो रेंगे क्यो, नम्यो रेंगे क्यो। क्या इस घर में कोई है? या उरेंसा इत्सियामा लाइक कोई था वो। She's here. तुम्हें इन लोगों से जो कहना है मुझसे कहो, मैं इन्हें कह दूंगा। रुगो नि शंक इन चशरन शोश मत हुआ वोनेन पंग नि चेश छिंचु। एक माँ और बेटी के स्पिरिट्स हैं। चले जाओ यहां से। मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे सर? वही शिमत्ता स्याख्वाइस। घर में नहीं रहेंगे, यहां से चले जाएंगे अभी। उन्होंने अभी खत्म नहीं किया पॉल। ये
इस घर में दो आत्माएं यहां से भगाने के लिए आप सबको डरा रही थी, लेकिन इन दो स्पिरिट्स के अलावा यहां एक और प्रेत आत्मा है जो आपको यहां से जाने से रोक रही है। अब भागने से कोई फायदा नहीं, आप जहां भी जाएं वो आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी। आई एम सॉरी पॉल। May I come in? जय, तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कम। आपने जो फाइल मंगाई थी। थैंक्स, सिट। 80 साल पुराना केस है, इसलिए मिलने में थोड़ा वक्त लग गया। अभी भी ओपन केसेस के सेक्शन में पड़ा था। लक्ष्मी, कौन? कोई है? कोई बुरा सपना देखा क्या?
बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल है क्रिश, सो रिलैक्स। और तुम्हें 2-3 दिन की बेड रेस्ट की जरूरत है। आफ्टर दैट यू विल बी ऑल राइट, ओके? थैंक यू डॉक्टर। वो उनका घर है, हम क्यों अपना घर छोड़ेंगे भला? क्या जरूरत थी वाटर टैंक के ऊपर चढ़ने की? फिसल के गिर गई ना, इट वॉज एन एक्सीडेंट। अब उसका और जो पॉल के घर में हो रहा है कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है, मैंने एक छोटी लड़की को टैंक के ऊपर देखा एकदम से, इसीलिए मैं गिरी। के घर में जो स्पिरिट है वो हमारे घर में घुस आया है। कॉलिंग डॉक्टर क्रिश, कॉलिंग डॉक्टर क्रिश, डॉक्टर क्रिश टू द ओटी। लव, आई हैव टू गो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। डॉक्टर, डॉक्टर, कैन वी गो अहेड विद द प्रोसीजर? जस्ट फिनिश प्रेप, आई एम कमिंग। लंदी, बहुत अलग किस्म का ऑपरेशन है। इस प्रोसीजर के दौरान आप मुझसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर शेखर से बात कर सकते हैं। शुरू करें। इलेक्ट्रोड्स को मैं आपके ब्रेन में इंसर्ट करने जा रहा हूँ, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, सो जस्ट रिलैक्स, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोड्स के अंदर घुसते ही आप अपने हाथों की शिवरिंग रोक सकेंगे। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन Everything okay, doctor? It's fine. Miss, dab please. Deep brain stimulation. Deep brain. Concentrate, Malin. मैं जितना कर रहा हूँ उतना आपको भी करना है. Equal amounts. Are you sure you're okay, doctor? I know what I'm doing, Shekhar. Go stand there. आप observe करने आए। Let's continue. अपने हाथ को steady कीजिए, बुलंद। और right hand का little finger उठाइए। नहीं, अभी भी हाथ हिल रहा है। फिर से कोशिश करें। रिलैक्स मिलन, विल ट्राई प्रोसीडिंग नाउ, इंसर्टिंग द इलेक्ट्रोड। What have you done? Doctor, please step aside. Brothers, get a shot of dopamine. Quick, I think he's having a cardiac arrest. Hold him. Krish, as we all know, last month ki tumhari deep brain stimulation surgery ke karan इस हॉस्पिटल को प्रेस्टीजियस पीआईजी रिसर्च अवार्ड मिला, लेकिन आज की तुम्हारी इस लापरवाही से इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन, लकीली पेशेंट की जान बच गई, पर इस गलती का कोई सुधार नहीं। आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू सस्पेंड यू। थिंक ऑफ दिस एज अ ब्रेक, टेक रेस्ट।
क्रिश 2 मिनट्स बहुत साल पहले पॉल के घर में कुछ हुआ था, उसी के बारे में जानने मैं पास वाले गांव में जा रहा हूं। मैं भी चलता हूं। लक्ष्मी, उसे अब सिर्फ आराम की जरूरत है, नर्सेस संभाल लेंगे। बहुत हो गया डॉक, जो कुछ भी हो रहा है ना, आई नीड टू नो व्हाई इट्स हैपनिंग। बस ओके, आई विल वेट फॉर यू डाउनस्टेयर्स। क्या इस घर में शिफ्ट होते वक्त आपको कोई पुरानी चीज मिली? जब किसी वस्तु से आपको बहुत लगाव हो, आपके इमोशंस उस चीज में समा जाते हैं, लेकिन उन चीजों को छूकर उन इमोशंस को महसूस कर पाने की ताकत सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है। ये तुम्हें कहाँ मिला? मुझे लक्ष्मी की बात माननी चाहिए थी, मैंने भी देखा, इसीलिए ओटी में उस दिन वो हादसा हुआ। उस घर में हो क्या रहा है डॉक? 80 साल पहले उस घर में एक चाइनीज फैमिली रहती थी, जहां आज पॉल की फैमिली रहती है। एक आदमी लू वे, उसकी पत्नी और उनकी बेटी। लू वे रेशम का व्यापारी था, चाइना से रॉ सिल्क इम्पोर्ट करता था और यहाँ राजाओं, नवाबों और ब्रिटिश अफसरों को बेचता था। काफी सालों तक रहे वहां, फिर एक दिन अचानक उस घर में उन तीनों की लाशें मिली। व्हाट? कैसे मरे? ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि एक लड़की इसकी आई विटनेस थी। कहते हैं तब वो इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अभी हम उसी लड़की से मिलने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है डॉक, जो उस वक्त कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतने सालों के बाद कुछ बोलेंगी क्या? पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि पॉल की फैमिली का फ्यूचर उस लड़की के पास से कनेक्टेड है। कैन वी गो अ लिटिल फास्टर? मेरा जब भी सिगरेट पीने का मन करता है मैं यहाँ आती हूँ। वेरी रेयरली पापा, इसी पेड़ के नीचे मुझे वो कंघी मिली थी। इस जगह को खोदना होगा। स्टॉप, हटो।
एक औरत का कंकाल है, मरते वक्त पेट से थी। एक छोटा बच्चा है, इसका गला काट दिया गया था। हादसे के बारे में लोगों ने अपनी ही कहानियां बना रखी हैं। एक परिवार की जिंदगी का सवाल है। उस दिन के बारे में आपको जो भी याद हो प्लीज। उम्र के साथ साथ मैं बहुत सी बातें भूल गई हूं, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। बाकी सब तुम्हें वही बताएंगे जो उन्होंने किसी से सुना होगा, लेकिन सिर्फ मैं ही हूं जो वहां मौजूद थी। 1935 की बात है, मेरी उम्र करीब 8 साल की रही होगी। उस घर में एक बहुत सुंदर पेड़ था। उस पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। जो आदमी रहता था ना उस घर में, उससे हम बहुत डरते थे। उसकी घरवाली थी और एक लड़की थी जो करीब मेरे बराबर रही होगी। वो जो औरत थी हमेशा मुझे फूल तोड़ने देती थी। एक दिन जब मैं वहां फूल तोड़ने गई तब वो दोनों वहां नहीं थी, सिर्फ वो आदमी था। का रंग बदल गया और दिन की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई। ये सूर्य ग्रहण का दिन था। शंग में से सो ई ची लाई वेई यो सी शंग ई खा निंग हाई चाई नान क्वान लांग ई खा नान हाई बिन यू चाई रु सी शान वान चंग ई सी चू गु यू वा नी शोंग आ दिंग लाई दा ई खान व्हाट द हे मो वांग What the hell, Mo Wang? That's you, Haida. Quick, I'm not season. I'm not finished. I'm fired. I want season limit. I won't let you get hurt. Ah! शंग वांग, यू सी मा? हाँ वा पापा।
निशांगयाओ टीटी मा शांगा पापा तिंग वोटा क्वा हावा वो काई सो शे मेनो लाई बाजाओ फंगचाई सूर्य ग्रहण का नाम लेते ही मैं घबरा जाती हूँ। कल फिर सूर्य ग्रहण है, फिर सूर्य ग्रहण है। इतने दिनों से स्पिरिट्स आपको आगा करने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन लूवे की आत्मा आपको यहां से जाने नहीं दे रही थी। क्रिश, पॉल से बात हुई? मैं ट्राई कर रहा हूं, बट देयर इज नो नेटवर्क। फिर से ट्राई करता हूं। Oh,
जेनी और सारा कहाँ हैं? कॉल देम क्विक। पॉल, ग्रहण खत्म होने तक कहीं भी जाना सेफ नहीं होगा। यहाँ एक जगह बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि बाहर जाकर कुछ कोशिश करें। हाँ डॉक, लेकिन इसका ग्रहण से क्या कनेक्शन है? ऑफ कोर्स है क्रिश। वन सेकंड। हाँ लक्ष्मी। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलके बात करनी है। जेनी कहाँ है? जेनी? मुझे क्या पता? मैं और डॉक्टर पॉल के यहाँ जा रहे हैं। ओह, ओके, मैं यहाँ से डिस्चार्ज होके आती हूँ। अच्छा, तुम भी वहीं आ रही हो? I'll see you there. ओके। आज के सूर्य ग्रहण को पूरा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। पिछले 100 सालों में सबसे अधिक समय तक रहने वाला ये सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण 7.5 मिनट तक रहेगा और उस दौरान सबको बाहर न निकलने की सूचना दी गई है। Pregnant women are advised to stay at home during the eclipse. As mentioned earlier in our show, everybody intending to look at the eclipse has to take necessary precautions. We have an expert on our show, so let's... Pastor ko hosh aa gaya. That's good. Kuch kaha unhone? Wo theek se bol nahi pa rahe the. लेकिन उन्होंने जेनी को अगले 1 घंटे तक कमरे में बंद करके रखने को कहा है। ठीक है, डॉक का फोन आया था, 10 मिनट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है जब तक ग्रहण न टल जाए हम दोनों को जेनी के पास ही रहना है। चलो। पॉल, जेनी कहाँ है? सामान पैक कर रही है। ओके, आई नीड टू टॉक टू हर। क्यों, क्या हुआ? नथिंग टू वरी, बाद में बताती हूँ। क्रिश, कम। सारा जेनी के साथ ही है ना? वहीं कहीं होगी। क्रिश, जेनी है क्या? देखो, तुम जाके देखो ना लक्ष्मी। सारा, प्लीज क्रिश, मुझे डर लग रहा है। जेनी, जेनी यहां नहीं है। लुक प्रॉपरली, देखो क्रिश प्लीज। जेनी, हर स्पिरिट ईश्वर के विरुद्ध नहीं होती है, लेकिन पॉल के घर में एक है। पापा, पास्टर ने कहा कि यहाँ अब तक जो भी बुरा हुआ है उन सब के पीछे यही है। इस घर में जो आदमी मरा था उसकी आत्मा क्रिश में है। क्या? हाँ। क्रिश होश में नहीं है। ग्रहण के टलने से पहले इस घर में खून होगा। मैं उसे अकेली नहीं रोक सकती, हम सबको मिलके उसे रोकना होगा। घर में लुवे ने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई थी, लेकिन उसको जो चाहिए था वो उसे हासिल नहीं हुआ।
उस दिन दुबे जो कर नहीं सका आज कृष के जरिए जरूर करेगा। नाम की एक औरत ने जेनी का इस्तेमाल किया ताकि वो पॉल की फैमिली को किसी तरह बचा सके। किससे? जब मैं ये रिकॉर्ड देख रहा था तब मुझे मालूम पड़ा कि ल्यू वे का जन्मदिन ठीक उसी दिन पड़ता है जिस दिन डॉक्टर कृष्णकांत आचार्य का। सेम डेट, डिफरेंट ईयर, बट सेम डेट, सेम पर्सन। इसीलिए प्रे कर रहा था क्योंकि आज यकीन हो गया शैतान है तो भगवान भी कहीं होगा। के साथ है, दे सेफ। कृष्ण को कैसे रोका जाए? मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूं। आप लोग बच्चों को यहां से निकालने की कोशिश कीजिए। अंदर जो है वो सच नहीं है। फाइट हिम क्रिश, प्लीज। सरा, सरा भागो, भागो सरा, भागो सरा, भागो। कहाँ भागेगी?
बेचारा। क्या कर रही हो बेटा? आपका वेट कर रही हूँ पापा। करना था हमने कर दिया। ग्रहण टल गया, अब आगे वो संभाल लेंगे।
क्रिश, क्रिश, क्रिश उठो, उठ। लक्ष्मी। पापा। मामा। क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक हो गया। अपने घर चले, प्लीज। न्यूयॉर्क के पासन स्कूल जा रही है। उसकी तो बड़ी तारीफ सुनी है। हाँ। कब जा रही हो? कह रही थी कि क्रिश से मिले बिना नहीं जाऊंगी। क्रिश लक्ष्मी दोनों से। एक्चुअली तीनों से। कहाँ है रॉकस्टार? हाँ कहाँ है भाई? बुलाता हूँ। ओए ऋषि। Thank you.
जाए।